तो अभी मैं खड़ा हूँ, आपने थाईलैंड का सब कुछ देख लिया, बीचेस देख लिए सब कुछ, अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये वो स्ट्रीट है जो कि ओल्ड पुकेट कहलाता है, जो आज से यानी कि 200 साल या 300 साल जब पुर्तगाल के लोग यहाँ पे आते थे और अपना बिजनेस करते थे, तो जैसे कि वो लोग चलते कहाँ से थे, पुर्तगाल से चलते थे जर्मनी, जर्मनी से होते हुए उसके बाद जाते थे ये टर्की, टर्की से फिर यहाँ मतलब इधर भी आते थे, और उन्होंने जब हिंदुस्तान था तो हिंदुस्तान में भी इन्होंने अपना बिजनेस किया हुआ था, जो कि पाकिस्तान में सिंध का इलाका है और जो कराची में मतलब आता है, और उसके अलावा जो दिल्ली है और इस तरह की जगहों पे, तो यही है। तो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस से अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ अंदर का सीन दिखाता हूँ। क्योंकि रोड का व्यू था काफ़ी इतना नहीं है, तो अभी यहाँ से मुझे पता चला है कि इसके पास एक जगह है जहाँ से फुकेट मतलब कोई भी घूमने के लिए आता है तो वो यहाँ से सनसेट का एंजॉय करता है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि शाम हो गई है तो मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सनसेट को एंजॉय करता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये है कि आज सनसेट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, और दूसरी बात लोगों की वजह से नहीं कि वो नहीं दिखेगा, दिखेगा इसलिए नहीं क्योंकि आज काफ़ी क्लाउडी वेदर है, क्योंकि आज का जो मौसम है वो काफ़ी क्लाउड हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब आज मुझे दिखें, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी और सारी रखता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। लेकिन यहाँ के लोग जैसे अभी दिख रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक मकसद ये था कि चलो थोड़ी सी कुछ न्यू लोगों से बंदा मिल जाता है, गेट टुगेदर हो जाती है, थोड़ी गैदरिंग हो जाती है और मज़ा आ जाता है ना। सनसेट देखने, जो कि इस आइलैंड से क्लियर व्यू दिखता है, जैसा कि आपको मेरी तरफ दिख रहा है। अभी जो सूरज है वो बादलों के बीच में छुपा हुआ है, लेकिन जैसे ही सामने आएगा, और ये आज आपको हम लाइव डूबता सूरज पॉकेट से दिखाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जैसा कि आपको दिख रहे हैं, इतना रश मैंने नहीं देखा, और मेन पॉइंट व्यू यही है। सनसेट जो है वो इन क्लाउड के बैक साइड पे हो रहा है, तो ना उम्मीदी के साथ अब क्या करना पड़ेगा, वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम उस चीज़ को तो एंजॉय नहीं कर सके। लेकिन मैं यहाँ पे काफ़ी देर बैठा रहा और काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो यानी कि काफ़ी मुझे ना थाईलैंड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो अच्छा लगता है कि आपको यहाँ पे नाइट लाइफ एंजॉय करने को मिल जाती है, नेचर मिल जाता है, आप जिस तरह के इंसान हैं आपको वो यहाँ मज़ा मिल जाता है। अगर आपको सुकून चाहिए तो सुकून की भी ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर आप अपना सुकून कर सकते हैं।